फ्रेंड्स वेलकम टू जी डी एस एजुकेशन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स नवोदय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक भर्ती 2023 में जो होने वाला है 2023-24 सेशन के लिए। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ बिहार में होने वाले इंटरव्यू जो कि 19 जून से 21 जून के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग रीजन का इंटरव्यू अलग अलग डेट्स में होगा फ्रेंड्स। तो 19 से 21 के बीच में आपका बिहार का इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जा रहा है। आई होप आपके पास मेल आ गया होगा इंटरव्यू के लिए। सो इंटरव्यू में जाने से पहले मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा जो कि मैंने NBS इंटरव्यू में फेस करते दौरान नोटिस किया है, वो तो ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए और आपकी कोई गलती ना हो फ्रेंड्स। सो यहाँ पे मैं आपको विस्तार में सारी चीज़ें बताऊँगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे पहले बार आए हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यहाँ पर आपको टीचिंग से लेटेस्ट अपडेट ऑथेंटिक और ऑन टाइम प्रोवाइड की जाती है। सो नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नवोदय विद्यालय में किस तरीके से आपका सिलेक्शन इजीली हो पाएगा। तो सबसे पहले बात करें तो नवोदय विद्यालय की, तो नवोदय विद्यालय एक रेजिडेंटल स्कूल है फ्रेंड, जहाँ पे आपको फ्री एकोमोडेशन, फ्री खाना, फ्री रहने का सारी सुविधा प्रोवाइड की जाती है और आपको वहीं पे रहना पड़ता है फ्रेंड। और NVS एक कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है और वेल रेपूटेड है। NVS में अगर आप ज्वाइन करते हैं और अगर एक्सपीरियंस लेते हैं तो आप बाकी स्कूल्स के मुकाबले बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने भी एज अ कॉन्ट्रैक्ट टीचर NVS में काम किया हुआ है। सो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा, इंटरव्यू में क्या क्या पहन के जाना है, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सारी चीज़ें मैं आपको वन बाई वन शेयर करूँगा। सो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक करिएगा, इसे ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा फ्रेंड। सो सबसे पहले मैं डेट की बात करूँ तो बिहार में आपको पता ही है 19 जून से 21 जून में ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा रिस्पेक्टिव NVS स्कूल में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने हैं और उसकी एक फ़ोटो कॉपी कर लेनी है। दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको अपने NVS स्कूल में ले जाना है। सबसे पहले आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। अब इंटरव्यू में कुछ टिप्स है जो आपको ध्यान रखना है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं NVS स्कूल में उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया है। सबसे पहले जो आप वो पूछेंगे आपसे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो ये तो आप नॉर्मल क्वेश्चन से आप आराम से स्पेसिफिकली तरीके से कम 2 मिनट आपको अपने बारे में बताना है, जिसमें आपको पहले अपना ग्रीटिंग करनी है, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, उसके बाद अपना नाम बताना है, फिर उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस शेयर करना है, किस जगह से आए हैं ये बताना है, एम आपको अपनी बतानी है, हॉबी बताना है और अपनी बेस्ट क्वालिटी आपको बतानी है। तो ये 5-6 चीज़ें आपको अपने इस अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करना है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, क्यों टीचर बनना चाहते हैं, तो आप ये बता देना। इसके बाद जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन NVS, NVS क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछते हैं, आर यू रेडी टू वर्क इन एनी स्टेट्स, किसी भी स्टेट में आप वर्क करना चाहते हैं, या फिर हाउ विल यू टेक केयर ऑफ किड दैट हैज़ कम फ्रॉम द अब्रोड, तो ये इसका आंसर आपको बताना होगा। इसके अलावा एक्सप्लेन योर शॉर्ट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होगी। तो ये जनरल क्वेश्चन होता है जो NVS में पूछे जाते हैं। बट इसके अलावा आपका जो कंटेंट सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इन चीज़ों में ज़्यादा वो इग्नोर कर देते हैं कुछ अगर आप गलती करते हैं तो, लेकिन अगर आपका एकेडमिक्स स्ट्रांग नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो एकेडमिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है कि आपके सब्जेक्ट पे आपका कमांड हो प्रॉपर, और अगर कोई क्वेश्चन आपको आता हो तभी आप उसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, इसके अलावा प्रिंसिपल्स होते हैं, तो आपको बड़े ध्यान से उनका आंसर करना है। अगर आपको पता हो तभी आप उसका आंसर करिएगा क्लियरली, अगर नहीं पता है फ्रेंड तो आप सिंपली बोल दीजिएगा, मुझे भी इसका आंसर याद नहीं है सर, दैट्स इट। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बनेंगे और आपका सिलेक्शन होपफुली हो भी जाएगा। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों तक शेयर करनी थी। सो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, इसी तरीके की वीडियो मैं आपको और भी प्रोवाइड करूँगा जहाँ पे आपको NVS में सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। सो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक करिएगा, शेयर लोगों तक शेयर करिएगा फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।